चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। जल्द ही झारखंड राज्य में लगेंगे बिजली के तेज झटके, कीमतें 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तेलंगाना बीजेपी चीफ बोले, सरकार बनी तो बुलडोजर चलाएंगे। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को यूपी की तर्ज पर सजा देंगे। देश में पहली बार रोपवे ट्रांसपोर्ट, काशी में सड़क के ऊपर से यात्रा, एक बार में 4500 लोग करेंगे सफर। नई पहल, नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी ला रही केंद्र सरकार, फुटकर दुकानदारों को मिलेगा सस्ता लोन इंश्योरेंस कवर, आसान होगा बिजनेस। सिसोदिया से ईडी की पूछताछ खत्म, कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो सकती है गिरफ्तारी, केजरीवाल बोले झूठा केस थोपा। बीजेपी के नए प्लान ने बढ़ाई सपा कांग्रेस की टेंशन, 2024 के चुनाव में होगा तगड़ा फायदा, मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए चलाएगी महाअभियान। रक्षा खुफिया एजेंसी ने जारी की चेतावनी, चीनी मोबाइल से सतर्क रहे भारतीय सेना। केंद्र सरकार खोलेगी 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र, बीपी शुगर से लेकर दिल की बीमारियों की होगी जाँच। इंडियन चिप से चलेंगे दुनिया के स्मार्टफोन, गुजरात में लगेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। भूख से बेहाल पाकिस्तानी कर रहे हैं अल्लाह को याद, ना नौकरी ना सरकार का साथ, बिगड़ रहे हैं हालात। ईवी के बढ़ते चलन से चीन पर बढ़ेगी निर्भरता, बैटरी और पार्ट्स मिलना एक बड़ी समस्या, रिपोर्ट। चुनाव से पहले कर्नाटक पहुंचे नड्डा, बीजेपी को बताया परिवार दूसरी पार्टियों पर साधा निशाना। राष्ट्रपति ने मंजूर किया सिसोदिया और जैन का इस्तीफा, आतिशी सौरभ भारद्वाज बने दिल्ली सरकार में मंत्री। थाने में सिंधे ठाकरे समर्थकों की झड़प, संजय राउत बोले मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। नोटबंदी के बाद भी नकली नोटों पर लगाम नहीं, हैदराबाद पुलिस ने 2 को पकड़ा, 27 लाख फेक करेंसी जब्त। अब आपकी सुंदरता को निखारेंगे मुकेश अंबानी, जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं ब्यूटी ऐप। कॉल ड्रॉप की दिक्कत से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। उत्तराखंड में आ सकता है तुर्की जैसा भूकंप, धरती में हो रही भयंकर हलचल, हाई अलर्ट जारी। लोकसभा चुनाव 2024, बड़ी जीत के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, मेगा प्लान पर जल्द ही शुरू होगा अभियान। हमारा रक्षा क्षेत्र रनवे पर जल्द ही करेगा टेक ऑफ, INS विक्रांत पर नौसेना की बैठक में बोले राजनाथ सिंह। गर्मी के साथ देश में बढ़ जाएगी महंगाई, खाने पीने की चीजें हो जाएगी महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। पेपर लीक किया तो खानी पड़ेगी 10 साल की जेल की हवा, 1 करोड़ जुर्माना भी लगेगा, गुजरात में विधेयक मंजूर। राजनीतिक मंच पर ना सही सिब्बल के इंसाफ से सुर मिला रहे विपक्षी दल, केजरीवाल और हेमंत सोरेन सहित कई ने की पहल। यात्रीगण ध्यान दे, ट्रेन का खाना हुआ महंगा, अब रोटी के लिए देने होंगे 3 रुपए के बजाय 10 रुपए। राहुल गांधी ने लंदन में RSS पर संस्थानों पर कब्जा करने का लगाया आरोप, बताया कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन। खाद्य तेल के बाद अब चना दाल भी महंगी, कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी से लोग परेशान। स्वदेशी तकनीक को मिली रफ्तार, वंदे भारत के लिए 52 रूट तैयार, 75 ट्रेनें चलाने का लक्ष्य। तेलंगाना में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट, 1 लाख से ज्यादा जॉब्स देगी फॉक्सकॉन, 5.7 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। केजरीवाल को मिला CM विजयन का साथ, PM मोदी को पत्र में कहा जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जोखिम वाले दुनिया के टॉप 50 राज्यों में भारत के 9, यूपी पंजाब पर खतरा। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने मांगा केंद्र के बराबर DA, ममता बोली चाहे मेरा सिर काट दे महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। युवाओं के बूते तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, गुजरात रोजगार मेले में PM मोदी का वीडियो संदेश। चीन का नाम लेने से नहीं डरते, LAC पर सेना को राहुल ने नहीं मोदी ने भेजा, जयशंकर का बड़ा बयान। केरल यूनिवर्सिटी में लड़कियां ले सकेंगी मैटरनिटी लीव, 6 महीने तक की छुट्टी मिलेगी, पीरियड लीव भी ले सकती हैं स्टूडेंट्स। कर्नाटक, येदियुरप्पा बोले कुछ को छोड़कर सभी विधायकों को टिकट मिलेगा, कांग्रेस ने किया 140 सीटें जीतने का दावा। दल बदलुओं ने बिगाड़ा गणित, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपस में झगड़ रहे बीजेपी के पुराने वफादार। होली के बाद MP बीजेपी में बदलेंगे आधा दर्जन जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के दायित्वों में होगा बदलाव। फ्लू के साथ कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 3 हफ्ते में 2 गुने केस, राज्य अलर्ट। युवाओं को उत्तराखंड सरकार का तोहफा, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए फ्री में मिलेगी कोचिंग। लोकसभा विशेषाधिकार समिति 10 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ करेगी सुनवाई, भाजपा सांसदों ने की थी शिकायत।
यूपीआई से हर रोज 36 करोड़ लेन देन, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा आरबीआई। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, 56,000 के करीब आया सोना, चांदी भी 66,000 के नीचे आई। झारखंड में 68 टॉपर्स बनेंगे लखपति, कैश प्राइज के साथ गिफ्ट में मिलेगा लैपटॉप मोबाइल। राहुल गांधी बोले, भाजपा को यह मानना अच्छा लगता है कि सत्ता में हमेशा वही रहेगी, बीजेपी के आरोप भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, हवा से हवा में 100 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, राजनाथ सिंह बोले, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं तटरेखा पर कड़ी निगरानी बनाए रखना आवश्यक। गर्मी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा आसान भाषा में दे मौसम की जानकारी, अस्पतालों का फायर ऑडिट कराएं। जेपी नड्डा ने विपक्षी दल पर लगाए भ्रष्टाचार व तुष्टीकरण के आरोप, बोले भ्रष्टाचार से कोई लड़ सकता है तो भाजपा। बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी, क्वाड देशों के बीच तैयार हो रहा रोड मैप। एमपी कैबिनेट का फैसला, नई शराब नीति का ऐलान, अब शराब की दुकानों और आहतों में बैठकर पीने की इजाजत नहीं। अग्निवीर भर्ती रैली में बदलाव, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेगा मौका, 15 मार्च तक करें अप्लाई, 16 अप्रैल को एग्जाम। सेहत को लेकर सख्त हुई सरकार, जल्द ही आएगा नियम, पैकेज्ड फूड पर छापेगी खास जानकारी। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार स्पष्ट, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च सत्ता, जीजू। पृथ्वी से किसी भी पल टकरा सकता है हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम जितना बड़ा एस्टेरॉयड। सीएम गहलोत ने मुझे और परिवार को दोषी बनाया, संजीवनी घोटाले केस में शेखावत का बयान। कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद को बताया बेरोजगार नेता, कहा रोजगार पाने की कोशिश करते देखना दिलचस्प। साबुन तेल शैंपू जैसी रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स, खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। गर्मी के जल्द ही आने से गेहूं की फसल पर कोई संकट नहीं, दाम बढ़ने की आशंका भी मामूली। फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा गाड़ियां बिकी, देश में 17.75 लाख व्हीकल बिके, मारुति और हुंडई ने सबसे ज्यादा कार बेची। अब बच्चे करेंगे जादुई पिटारा पढ़ाई, केंद्रीय मंत्री ने नेप 2020 के तहत बाल वाटिका को किया लॉन्च। शिशु को घर में ही सिखाएंगे संस्कार, आरएसएस से जुड़े संगठन ने गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गर्भ संस्कार मुहिम। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अगले 2 साल तक कृषि उत्पाद पर नहीं लेगी कर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो केंद्र सरकार खोलेगी 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र, बीपी शुगर से लेकर दिल की बीमारियों की होगी जाँच। जी हाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की तुरंत ही पहचान हो, इसके लिए देश में एक अनोखा हेल्थ मॉडल तैयार हो रहा है। यह मॉडल कुछ और नहीं बल्कि उन 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को बनाकर तैयार किया जा रहा है, जो देश भर में अलग अलग राज्यों के जिलों, कस्बों और गाँव में घरों के नजदीक चंद कदम की दूरी पर होंगे, ताकि देश में लाइफ स्टाइल डिजीज के दुष्प्रभाव को वक्त रहते रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा देश में ड्रोन से दवा आपूर्ति और जांच सेवाओं के लिए बड़ी तैयारियां शुरू हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोकने के लिए एक अभियान के स्तर पर बड़ी योजनाएं और तैयारियां शुरू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 बड़ी जीत के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, मेगा प्लान पर जल्द ही काम शुरू। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण योजनाओं के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर तरह तरह के अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने वोट के अंकगणित में इजाफा करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान हो सके। इसी क्रम में बीजेपी ने समाज के करीब 18% वोट बैंक तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए पहल शुरू करने का फैसला किया है। अब बीजेपी की नज़र दलित समाज और अनुसूचित जाति के बड़े वोट बैंक पर टिकी है। इस समाज में अपनी धाक और पैड बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक बड़े अभियान को जल्द ही शुरू करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जरिए इस वर्ग को साधने के लिए 14 अप्रैल से 5 मई तक देश भर के दलित बस्तियों में प्रवास करने का फैसला लिया है। जल्द ही झारखंड राज्य में लगेंगे बिजली के तेज झटके, कीमतें 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हां, जल्द ही झारखंड में लोगों को बिजली के तेज झटके लग सकते हैं। राज्य में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जमा किया है। आयोग ने इस प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई दरें आगामी अप्रैल माह से प्रभावी होंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नई दरों को लेकर जो प्रस्ताव दिया है वह वर्ष 2023-24 के लिए है। बिजली वितरण निगम ने 7,400 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जरूरत बताई जा रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कॉल ड्रॉप की दिक्कत से जल्दी मिलेगा छुटकारा। सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हाँ, टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्दी उन्हें कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो कई बार आपके फोन से अचानक नेटवर्क गायब हो जाता है या फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसे कॉल ड्रॉप कहा जाता है। दरअसल लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए छोटे टावर लगाने के लिए सरकारी खानापूर्ति को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए किसी भी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे टावर स्थापित करने में तेजी आएगी, साथ ही दिशा निर्देशों में बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।